ब्रह्मचार्य अष्टोत्तर शक्षी श्रीमदे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्मरक प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गोप श्रेष्ठ की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंद आप सब समृद्ध भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरुन और गौरंगा की यहाँ कोई मैं मोबाइल में दी नंबर सॉरी टाइम जय गौर हरि हरे कृष्णा। हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन सॉरी को ही को बंद करो आज हरे कृष्णा नहीं अभी गूंज है हरी बोल हरे कृष्णा सुनाई देगा सब उसमें है ना। देख भाई ईको अलग नहीं है इसका जीरो कर दी क्या हरी बोल ओ हरे कृष्णा ठीक है जैसे तब भी गड़बड़ है हरी बोल हरी बोल चलो देखो जितना बेस्ट हो जाता है बाकी अपने कानों को थोड़ा फिल्टर कर लेना कर सकते हो चेंज हमारे सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं इस कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण शिशु गौर निताय की इष्ट गोष्ठी में सत्संग में और हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण शिशु गौर निताय श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमल में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें जो कि है श्री राधा कृष्ण शिशु गौर निताय की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्नान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणावलिता श्रीविशाखान्वितंश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्दा।
श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ मेरी बात करवाइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय गौर हरि हरे कृष्ण। आज तारीख है 17 जनवरी 2021 संध्या का समय स्थान है जयपुर। विशेष गोष्ठी में हम फिर से आप सबका इष्ट है हमारे भगवान श्री कृष्ण गोष्ठी में चर्चा में गोष्ठी का मतलब चर्चा में आप सबका स्वागत करते हैं। तो तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शन हे मनुष्य अब तुझे हे आत्मा अब तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अब तत्व को जानने की कोशिश कर अर्थात अब सत्य को जानने की कोशिश कर तथ्य को जानने की कोशिश कर। तेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है क्योंकि खाता सोता बच्चे पैदा करता और बचाव करता तो तू हर योनि में था। ये एक योनि तुझे मिली है जिसमें तू सत्य का तलाश कर सकता है इसमें तो परंतु हम फिर भी असत्य के चक्कर में घूमते रहते हैं, है ना? बहुत अकलमंद है जी। जिस बिजनेस में 1,000 करोड़ कमा सकते हैं उसमें 100 रुपए कमा के संतुष्ट हो जाते हैं, बताओ मूर्ख है कि अकलमंद है? मूर्ख। तो जिस एक योनि में अनंत योनियों हैं, क्या कहते हैं कितने कितने योनियां हैं 84 लाख, परंतु उनके अंदर भी अनंत वो है सब डिवीजन, क्या है सब डिवीजन है उनके अंदर, एक योनि है जिसमें सत्य जान सकते क्या, परंतु उसमें भी क्या ढूंढते असत्य और कहते अपने आप को क्या हो, क्या कहते अकलमंद अकलमंद है। मंद में भी कम है बंद में भी बंद है, पूरा जीवन लगा दिया असत्य को ढूंढने और कितनी मेहनत करते हैं असत्य को प्राप्त करने की, बताइए। एक तो असत्य को पीछे घूम रहा है, एक मेहनत कर रहा है कि कैसे नुकसान खाऊं, है अशोक नहीं मेहनत कर रहे दिन रात
दिन रात मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से असत प्राप्त हो जाए। और जिसको सबसे ज्यादा असत मिलता है उसको कहते हैं क्या श्रेष्ठ है, अबे गधा है, श्रेष्ठ नहीं है क्या है? गधा क्या करता है, कोई सुबह से रात तक काम करता है, किसी खास करता है, जो उसको कहीं नहीं मिल सकती। मैं नहीं कह रहा ये, शास्त्र क्या कहते हैं उसको, मूढ़, क्या कहते हैं मूढ़ा का मतलब मूर्ख, गधा। मैंने नहीं बनाया कहीं को वृंदावन चंद्र प्रभु अपने ठोकते रहते नहीं, जो शास्त्र कहते हैं वो मैं कह रहा हूं। गुरु का काम क्या है, पारदर्शी होना, क्या होना पारदर्शी है। गुरु का काम अपना बनाना नहीं है, क्योंकि अपना बनाना सिर्फ काम किसका है, भगवान का। भगवान ही कुछ बना सकते हैं, तो हम तो जोड़ा जोड़ी करते हैं, सही बात है भाई। घर बनाया मैंने है? अच्छा तूने मट्टी बनाई, लाइम स्टोन जो सीमेंट के लिए चाहिए आपने बनाया है जी, है अशोक आपने बनाया, बिल्डिंग बनाते हो किससे, सारा माल उससे लिया और अपनी जा रहे पूरा जीवन असत पे लगाते। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं, प्रणिपातेना परिप्रश्नेना, परिप्रश्नेना प्रश्न कर तत्वदर्शी, इसके बाद जैसे तत्व को समझ लिया, जिस तत्व को समझ लिया और उसके पास जा। और हम किसके पास जाते हैं, असतदर्शी, क्या किसके पास जाते हैं, असतदर्शी के पास, जो हमें असत के दर्शन कराए, जो हमारे लिए असत पहन दी, हमें असत दे। सारे टीचर, सब टीचर तुल्य, हमें कौन आ गए, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा, ताऊ बुआ मासी मासड़, है पूरी कायनात असत दर्शी के पास। और भगवान क्या कह रहे हैं गीता, तत्वदर्शी, सत्यदर्शी, तत्वदर्शी का मतलब सत्यदर्शी के पास जा तो प्रश्न कर। तो यहां किस लिए आना चाहिए आपको, लेक्चर शुरू होने से पहले हाथ उठाना चाहिए, लेक्चर शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, इसलिए प्रश्न कर। और आप किसके हाथ उठाते हैं, लेक्चर कब खत्म होगा, घर कब जाऊंगा, इसलिए हाथ उठाते हैं। यही मैं ज्यादातर कहता हूँ, ऑर्गेनाइज जो करता है ना आखिरी में भाग जाए, लोग ढूंढते हैं किससे पूछूं कब खत्म हो, जिज्ञासा अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है आत्मा को, हे आत्मा, ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, सत्य ही जिज्ञासा कर, खोज कर। और कब से खोज होनी चाहिए इसकी, बचपन से, मां के गर्भ से। शास्त्र क्या कहते हैं, मां को भी जब गर्भवती हो तो भगवत चर्चा करे, भगवत का उस ब्रह्म भगवान का ज्ञान ले, कृष्ण का ज्ञान ले, राम जी का ज्ञान ले, क्या कर, जब वो पढ़ेंगी जाएंगी तो बच्चा जो है वो भी जिज्ञासु बनेगा, क्या बनेगा, हाँ बंधु, वो तो फिल्म देखने जाती है। असत में भी असत क्या है, असत में फिल्म क्या होगी, असत में भी एक और असत, असत में एक सपना, फिल्म क्या है, असत में नहीं मिला सपने में सपना, कितने बुरे फंसे। तो शास्त्र ये कहते हैं, आज इजराइल लोग समझ गए इस बात को, परंतु गलत समझे, मां को मैथमेटिक्स नहीं आती परंतु वो उसकी किताबें पढ़ती है, गणित नहीं आती परंतु गणित की किताबें पढ़ती है, तो बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बनता है, ये वहां का सिस्टम है पता है जूस का। बच्चे को जो बनाना है वो घर में बन जाता है,
जब भी आगे चल के जब उसकी भक्ति में लगना चाहते हो तो हो क्या कुश्ती होती है, पहलवानी होती है। कहीं माता पिता उसको रोकते हैं, कहीं बच्चे रोकते हैं, यही युद्ध चलता रहता है। हैं रवि प्रभु डॉक्टर बताओ नहीं रहता है क्यों? क्योंकि बीज पीपल का दिया है, आम चाहते हो कैसे मिलेगा? नीम के निमोले मिलेंगे, नीम का बीज डालोगे। परंतु मजे की बात है, मनुष्य शरीर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, रीग्राफ्टिंग, क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप उस नीम के निमोले से आप भगवान भक्ति देकर उसको आम भी पैदा कर सकते हो। ये सारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम निमोलों से आम बन जाए, हम असुर से भक्त बन जाए, हम असुर से क्या बन जाए, भक्त बन जाए। ये जीवन का लक्ष्य है, ये मैं नहीं कह रहा, जिसने बनाई इस दुनिया वो कह रहा है। कहते हैं भगवान धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो धर्म की स्थापना करने के आप हैं, जानवरों के बीच में नहीं, मनुष्यों के बीच में, हैं जी। उसका मतलब है समझ लीजिए, जो मनुष्य धर्म स्थापना नहीं करना चाहता अपने जीवन के अंदर, उसका मतलब वो पशु हो गया। क्या हो गया? जो भागवत का कहते द्विपद पशु, कितने पैरों का पशु, तो सीरियस इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए? सीरियस, जब सीरियस प्रश्न करते हो उत्तर में कैसा मिलेगा? जब प्रश्न ही करोगे जो सीरियस नहीं होगा तो उत्तर भी क्या होगा, वैसे मिलेगा। तो प्रश्न है किसी के नहीं, हम तो सब जानते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं करूं प्रश्न तो दे पाऊंगे, और देर कहू आपको यहां आना पड़ेगा लैपटॉप लेके, क्योंकि आपका बाकी सेशन क्वेश्चन आंसर का होगा, तो ऑनलाइन भी क्वेश्चन आएंगे दबा के। एक्चुअली गुरु के साथ सारे सेशन ही क्वेश्चन आंसर के होंगे, तभी तो गुरु को शिष्य के बारे में पता लगेगा और शिष्य को गुरु के बारे में। अगर दोनों मुंह बैठे होंगे तो आप मेरे गुरु तो 20 साल से बोले बेटा, तू भी मुंह पर वो भी मुंह। हमारे शास्त्र तो कहीं ऐसे नहीं है कि कोई उपनिषद शुरू हुई और फिर खत्म हो गई, बोलते साहब इसमें और कुछ कोई संवाद ही नहीं है, बोलते दोनों मुख थे। हमारा तो कोई उपनिषद ऐसा है ना, पुराण कोई ऐसा है ना, हमारा कोई शास्त्र ऐसा है जिसमें मुख गुरु हो। हमने तो आज भी पढ़ा करूँ, परंतु आज कल युग के अंदर मुख गुरु को बड़ी श्रेष्ठता दिया, जो 100-30 साल से कुछ नहीं बोले। मैंने चेक किया था अंदर जीवा थी कि नहीं, जीवा तो है। मैंने कहा फिर यहाँ टो यहाँ कुछ है क्या, क्योंकि बोलते पकड़ा जाता है प्रभु जी व्यक्ति, इतना भी ज्ञानी बने जैसे ही वो बोला वो फंसा, जैसे ही बोला वो फंसा। तो इसलिए जो कहा जाता है शास्त्रों के लिए एक साल के लिए गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए और शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए, उसका मतलब यही है कि गुरु को देखना चाहिए कि जिज्ञासा जो कर रहा है कितना सिंसियर है उन जिज्ञासाओं के अंदर, और शिष्य को देखना चाहिए कि जो गुरु है जिज्ञासा जो मैं ब्रह्म की कर रहा हूं उसको समझा सकता है, मुझे तो वहां तक पहुंचा सकता है कि नहीं करें। ये बड़े अच्छा कीर्तन करते हैं इसलिए वो मेरे गुरु हैं। तो भैया फिर किसी फिल्म वाले को पकड़ लिया ना, बड़ा अच्छा गाते हैं है ना, भजन करने वाला से अच्छा गाते हैं, ये तो मानना पड़ेगा है। नहीं नहीं ये क्वालिफिकेशन नहीं, क्या
और शिष्य के मुख बैठा है क्वालिफिकेशन। अब प्रश्न करने का मतलब नहीं है कि ऊंट पटांग प्रश्न करते हैं, क्या करने ऊंट पटांग नहीं। प्रभुपाद जी ने हमें कहा जब हम लेक्चर देते हैं, लेक्चर के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, क्या पकड़ लो हिंदी में क्या कहें, टिप्पणी। यदि आपने कुछ सुनने के बाद आपके अंदर कुछ रियलाइजेशन को क्या कहते हैं, अनुभूति कुछ हुई है, कुछ आपको पॉइंट मिल रहा है, क्या गुरुजी ये पॉइंट जो मेरे जहन में उठा क्या ये सही है, या प्रश्न करो या कोई। हाँ जी गुरुजी, जैसे हमारा मन प्रति और मन को आता है, अभी किसको आता है, क्योंकि अभी आत्मा तक पहुंचेंगे, अभी आत्मा तक, क्योंकि आत्मा को एक बार पहुंच गए तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, वो आनंद बढ़ता रहेगा। हम आस्वादन भी नहीं करना चाहते, समझे, बैठ जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कोई भी कार्य अपने आनंद के लिए मत कर, सारे कार्य भगवान के आनंद के लिए कर, कृष्ण के आनंद के लिए कर, फिर जो आनंद आएगा वो प्रसाद होगा। जो डायरेक्ट आनंद लोगे तुम भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हो, प्रसाद हो जाएगा वो आनंद, क्या हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करके जब मिला तो प्रसाद हो गया, क्या हो गया, जब हमने अपने आप भोगना चाह तो भोग हो गया, भोक्ता तो भगवान कृष्ण है, भोक्ता कौन है। और अगर आपके लिए डायरेक्ट यदि भोग हो जाता है, क्या होता है, भोग लेने योग्य हम नहीं है, भोग लेने योग्य कौन है, भगवान श्री वो भोग लेने योग्य, इसलिए हमें आनंद के चक्र में नहीं है, ये समझ लो। जब तक हम आनंद के चक्कर में रहेंगे तब तक हम असुर हैं, क्या? तो हम कीर्तन भी करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो उससे फिर एक आनंद आएगा। लेट एवरीथिंग, सब कुछ को भगवान के थ्रू आने दो, शुद्ध होके आएगा, क्या होके आएगा, शुद्ध होके आएगा। डायरेक्ट मन को आया तो वो आनंद नहीं है, एक्चुअली वो मजा है, क्या है, मजा। और मजे और आनंद में क्या फर्क है, मजा आता है थोड़ी देर रुकता है खत्म हो जाता है, आनंद वो है जो आता है रुकता और बढ़ता चला जाता है, ये फर्क है दोनों। तो आप जीवन में मजा करते हो, सुख तो किसी ने अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि सुख आने के बाद कभी जाता नहीं, वो असली सुख है। और एक मजा जो है, मजा जो है वो नकली सुख है, तो मन नकली सुख लेता है, क्या करता है, परंतु जब भगवान के थ्रू आएगा तो फिर वो असली सुख, और वो जब आएगा जब मन स्थिर हो चुका होगा, क्या होगा, अपनी चंचलता खो चुका होगा, ध्यान रखिएगा मन के क्या गुण है, चंचलता, क्या बताएगी भगवत गीता में, क्या बताया गया मन को, चंचल। जब उसकी चंचलता भंग हो जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगा, नहीं तो सुख भी आएगा चंचल में, क्या हुआ, सुख भी आएगा, जाएगा 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 जाएगा, परंतु स्थिर हो जाएगा तो आनंद रुकेगा, ठहरेगा, बढ़ेगा। जब कोई चीज ठहरती है भी तो बढ़ती है, पैसा जब ठहरता है बढ़ता है ना, बैंक में बैलेंस बढ़ता ही, अगर भाग जाए तो फिर जीरो पे जीरो है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मन को स्थिर कर, कैसे करोगे, उसका एक ही तरीका है कि भगवान की आनंद के लिए कार्य करें। तो भगवान तो फुल है, भगवान क्या है, पूर्ण, आनंद से भी पूर्ण, तो जब आप डालते हो उनके उसमें तो वो वापस ही आ जाता है। कोई चीज पूर्ण होगी उसमें कोई चीज डालोगे, अगर एक सोने के टेस्ट को क्या कहते हैं, सोने का टेस्ट, कण, सोने के कणों से भरा हो, ठीक है, ग्लास, उसमें और सोना डालोगे, सोने कण डालोगे तो कहाँ आएंगे, तो कहाँ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से जब भगवान को आनंद ले जाते हो तो वापस आता है, वही प्रसाद कहलाता है, क्या कहलाता है, और आप लोग सब उसी तलाश में होंगे, तलाश में तो स्थिरता की हो,
परंतु जीवन में ला रहे हो अस्थिरता वाली चीजें। जवानी स्थिर थी, अस्थिर अस्थिर थी, पूरा पड़ गया, ये भी अस्थिर है, चला जाए, फिर पैदा हो, फिर अस्थिर, बच्चे फिर बड़े फिर बड़े, सब खताया किसने? मन में फंसाया हो किसने? हाँ जी, और किसी का प्रश्न? हाँ जी, पानी में पड़े रहोगे तो क्या होने वाला है? गीले हो गए, सूखे हो गए, सॉरी सूखे हो गए, उन्हें गीले रहेंगे। थोड़ी देर कूद गए ऊपर आ गए तो थोड़ी देर सूखा लगेगा, कहीं फिर अंदर हो। संघ का कारण है, किसके कारण? आपके साथ जितने लोग हैं जिनके साथ आप ऐसे संघ करते हो, सबके सब क्या है? देह हाथ में बुद्धि वाले, तो आपको अगर याद भी आ जाएगा आपको भुला देंगे। अगर एक बच्चे को दो दूनी चार सिखाया जाए, उसके साथ 50 बच्चे बिठा दो, जो कहें दो दूनी पांच, वो दो दूनी चार कहेगी, घंटे बाद क्या कहेगा? तभी शास्त्र कहते थे पूरे परिवार को भक्ति में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और परिवार वाला वही मानना चाहिए जो भक्ति करता है, चाहे वो मामा चाचा ताऊ कोई भी हो, उसके लिए बाहर कुर्सी लगा गए वरंडा, उसके साथ छुआ छूत करना चाहिए, वो उसके लायक है। असक्त संग त्याग, तो हम तो उसके साथ ही गप्पे मारेंगे, तो क्या होने वाला है बताओ? दो दुनी पांच ही सीख के आओ, दो दुनी तो प्रभुपा जी कहते थे, मैं इसलिए तो आश्रम बना रहा हूं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समान सोच वाले, समान सोच वाले साथ रहकर भक्ति को बनाए, कैसे सोच वाले? समान विचार वाले, समान सोच समान विचार वाले साथ रह सके, और इसको क्या करें? बनाए बनाए इसको, क्योंकि अगर सभी दो दूनी चार कहेंगे तो प्रभु जी एकदम परफेक्ट हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? उनमें से एक दो अगर दो दूनी पांच वाले आ भी गए तो बोले सर नहीं। लोग कहते हैं प्रभु जी लोग आते हैं कैसे मना कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप उनके साथ कृष्णा की बाकी बात करो, तीसरी मीटिंग करेंगे नहीं आपके साथ। सही बात है गलत बात है बताइए आप? वो आए सब मरते हैं, हमारे घर कोई नहीं आता था, मैं और छोटा भाई से यही बात करते थे घर के अंदर, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता था, बोलता था यार इनके पास जाओ, ये मरने की बात करते हैं, इसे किसकी बात करते हैं? जो आए मुझे चाचा जी सोचा है मरने वरने के बारे में, कैसे यार तू अरे क्यों घबरा रहे हैं आप? ये तो अटल सत्य है, जो सत्य है उसी की तो चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति करते हो पता है कैसे करनी चाहिए? आप बोलते हैं लोग कैसे उनको मना करें, नहीं बोलते आप वैसी प्रभु जी को उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप उधर रहते हो तो वो भी सोचते हैं कि आप उल्टी सीधी बात कर रहे हो, तो भी चले जाएंगे, जैसे आप चले जाते हो और दूसरा आदमी फालतू बात करते हो, उससे पूछते हैं, मैंने कहा देख तू ही चाहता है उनके साथ गप्पे मारना, मेरे को मत सिखा, मैं थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी हूं, मैं मुंह पे बात करता हूं, क्योंकि मैं अगर झूठ बोल के आपके साथ मक्खन लगाने की बात करूंगा ना प्रभु जी, तो आपका तो भला हुआ नहीं, मेरा साथ में मेरा भी नहीं होगा, तो मैं क्यों अपना बिगाड़ूं? बताइए भागवत कहता है अगर सत्य नहीं बोल सकता तो व्यास आसन में मत बैठ, अगर व्यास आसन बैठ के जो असत बोलेगा तो बेसिकली तो नरक जाएगा, तो वहां कमाले बोलूंगा भी नरक भी जाऊंगा मैं प्रभु जी, ऐसा क्यों करना चाहिए? डॉक्टर मुकेश जी नहीं करना चाहिए, सही बात नहीं,
तो ये आपका जो उत्तर है ये सबके लिए, सबको फायदा हुआ मन की आंसर करने से, हुआ नहीं तो इसीलिए प्रश्न करने वाले को, प्रश्न करने वाले को क्या लाभ मिल गया, तो इतने लोगों को समझने का मौका मिल गया, उसको भी मिल गया ना, ML कहते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई। क्या हो गई? आपने प्रश्न किया कि इसका कारण क्या है, सबके साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ नहीं है सर, आपने बोल दिया, बाकी समझ रहे, बाकी देने लगा के भगत बन के बैठे, क्या कहते हैं उनको, बगुला भगत, क्या ऐसा कभी हो सकता है, युद्ध सिर्फ शमशान में हुए, तुम मुझे जब दूसरे काम करेंगे तो पढ़ा होगा, एकदम बुढ़ापा आ जाए तब पढ़ना चाहिए, जब पढ़ने लायक नहीं रहे ना, मुंह में दांत रहे, फिर कहेंगे इतनी मोटी मोटी अक्षर की है क्या, मैंने आप तेरे लिए छापूंगा मैं, आप जो बोलते हो ना सुनाई नहीं देता, मैंने ईयरफोन मिला के दो, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, परंतु भगवान को अपना सबसे जीवन का सबसे गंदा हिस्सा दूंगा मैं, जब सटिया रहे होंगे बुढ़ापे में, भक्ति सट जाता, बाकी सब सट जाते हैं, जब सटिया गया होगा तब तू भक्ति करेगा, मूर्ख आज तक ही देखा मैंने किसी को करते हुए, आज तक रिकॉर्ड है, मैं 38 ईयर से प्रचार कर रहा हूं, 38 साल से, मैंने किसी व्यक्ति को जिसने अपने शुरू जी पूरे जीवन में भक्ति ना करी हो वो बुढ़ापे में भक्ति कर पाए, नहीं कर पाता, जब अगर मैं सही बता रहा हूं 50 साल की उम्र के बाद भी अगर वो भक्ति करता कर लेता ना तो मैं कहता हूं तू बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, आज वो उम्र और नीचे चली गई, पहले मैंने जब शुरू किया था मैं 60 साल कहता था, फिर 10 साल बाद मैंने 50 कहना शुरू कर दिया, अब मैं कहता हूं 35 साल के बाद अगर वो भक्ति ले लेता है, क्योंकि प्रभु जी 35 साल तक तो ऐसा ठूट हो जाता है, ये नहीं सकते उसको, ध्यान लेने लायक होता ही नहीं है वो, ये एज कम होती जा रही है प्रभु जी, बताऊं क्या एज कम हो रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है कि मुझे कौन सिखाएगा, बुढ़ापे में सीखता ही नहीं होता, मुझे क्या सिखाएंगे, जब हम जब मैं 26 साल का था जब से मैं ऐसी लेक्चर देता हूँ ठोक के, मुझे लोग उस टाइम भी AK-47 कहते थे, तो मुझे बोलते थे ये बच्चों क्या सिखा रहा है, तो 25-26 साल का है, मैंने बूढ़ा हो जाऊंगा तभी तू कहेगा, इनको क्या एक्सपीरियंस है बेटा, तो भाई साहब है तब बेकार है, नहीं है तो बेकार, तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, बुढ़ापा आएगा जब उनसे क्वेश्चन पूछना, कितने जवान मर गए हैं, कितने, अभी परसों ही मुझसे एक मिलने आए हुए थे प्रभु, 2 साल पहले उनका 22 साल का लड़का एक्सीडेंट हो गया, अभी किसी और को मिलने आना था मुझसे, उनके साले थे, उनका लड़का 23 साल का एक्सीडेंट हो गया, मैं सब मैं कहता हूँ पहले देख के आओ मॉर्चरी में जाओ और देखो कितने यंग मरे हुए हैं, मैं प्रभु जी मेरा दोस्त मित्र जब मैं 17 साल का था मर गया था, उसके बाद होता हूँ मैं अभी तक जो जी रहा हूँ 65 साल का होने के जा 65 साल के मैं चल रहा हूँ मैं, तो मैं ये सोचता था कि मैं अभी तक जो ग्रेस पीरियड में जी रहा हूँ, जब वो मर सकता था तो मैं भी, ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये चांस मिला हुआ मुझे, ये मेरे को भी जाना था, जो वो जब चला गया तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं इतने सालों से मुझे ग्रेस पीरियड हुआ किसी दिन भी जा सकता हूँ, मेरा जाना जब था तो मुझे टाइम दे रखा है बस, ये कैसे मान लेते हैं, कैसे बोल देते हैं कि मैं 70-80 साल का हूँ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, हर परिवार के अंदर किसी ना जान पहचान के यहाँ जवान मौत हुई होती है, बताइए आप मुझे, आपने वैसे कोई जो बोल सकता है कि हमारी जान पहचान में या परिवार में किसी की जवान मौत नहीं हुई है प्रभु जी, कोई ये सामने 70-80 साल टच किया है प्रभु जी, कोई नहीं है, फिर भी अकल नहीं आती, जिनकी जवान मौत होती है बोलता हूं उनको, ये तुम्हारे गुरु बन के आए बताने के लिए कि क्या कर रहे हो, भक्ति कर लो, देखो कभी चला गया मैं उनको कहता हूं, अगर तुम्हें फायदा उठाना है इस बच्चे को फायदा देना है तो ये इसको गुरु बना दो, गुरु बनाने का मतलब ये है कि उससे ये सीख लो कि मृत्यु इन्होंने सिखा के गया कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, भक्ति कर ले छोड़ मत, ये सिखा के गए तुम्हें, सीखो उससे, नहीं मैं
यमुना से दमा दो, मैं थोड़ी बोलूंगा अलग जल्दी लिखवा के लाया हूं, बताइए आप मुझे, ये है सत्य। ऐसी बातें करो, कृष्ण भगवान की बात करो, कृष्ण वैसी आपको हटाने की जरूरत नहीं है उनको, आप बोलोगे आओ भाई नहीं जी है, आओ भाई अभी नहीं, सीधा जवाब आएगा, जो आ जाएगा वो सुधर जाएगा, जो आ जाएगा वो, हम सभी सुधरने आए हैं। सत्संग में आते हैं ऐसे वचन सुनने थोड़ी आते हैं, वह तो शांति के लिए आते हैं, सुख के लिए आते हैं, गुरु जी क्या सुनाते हैं, नहीं ये फिल्मी एंटरटेनमेंट नहीं। सत्संग है, सत का मतलब सत्य को, सत्य का संग करने आते हो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते कि बड़ा अच्छा लगता है सत्संग में जाता हूँ, मेरे सत्संग में आते कितना अच्छा लगेगा ये पता लगेगा, क्यों यहाँ सत्संग होता है, यहाँ क्या होता है सत्संग होता है। जैसे कल ही कृष्ण ने प्रश्न किया था, मैं कैसे अवतारी को प्रश्न आया होगा मुझसे पूछता है, उन्हें ये किसने कहा, हम इतना मजा कर सकते हैं कितनी भक्ति कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर प्रभु जी बहुत सीरियस काम कर दिया, मजाक करना है कुत्ते को नहीं देखते थे रोड पे खुद रहे गाल रहे, आप हमें लड़ रहे हैं पूछ हिला रहे हैं, ये स्टूडेंट लाइफ है मनुष्य शरीर योनियों में ना, प्रभु समस्त योनियों में ये स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट का अगर बच्चा स्टूडेंट लाइफ में मजा करेगा आगे होगा, और जो उस टाइम मेहनत कर लेगा वो आगे, इसी तरीके से समस्त योनियों में ये एक्चुअली शिष्य बनने का समय, स्टूडेंट का समय है, ये मनुष्य शरीर और किसी चीज के लिए नहीं मिला, क्योंकि और किसी योनि में आप स्टूडेंट नहीं बन सकते, आप विद्यार्थी नहीं बन सकते, आप विद्या का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, ये पूरा जीवन इसीलिए मिला है कि आप विद्या को ग्रहण करें, आप विद्या को ग्रहण करें इसलिए मिला है, परंतु हम मनुष्य में सोचते हैं नहीं मजा भी करें, और नहीं नहीं स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चा मजा भी करना चाहता है ना प्रभु जी, अब पढ़ाई भी करना चाहता है कर सकता है, प्रभु बताइए आप उसकी हर एक्टिविटी किस लिए होनी चाहिए जो उसको विद्या लेने में हेल्प करे, राइट। हम बच्चे बोलते हैं खेलने के लिए खेलूं क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो उसका कंसंट्रेशन सही रहेगा, क्योंकि हेल्थ अगर सही रहेगी कंसंट्रेशन भी सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है, वो खेलता है जब तो हारता है, क्या करता है तो हारना सीखता है, हम अपने बच्चे को हारना नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते वो, अरे डूबने से बचना ही तो असली आर्ट है, जब ऐसी स्थिति में आ जाए या डूब रहे हो तो उसमें कैसे निकले, जब ये हमारे शास्त्रों में पर तो कौन से खेल है ये, नहीं तेरा खेल रहे हैं और 1,00,000 बेवकूफ देख रहे हैं, कौन है तेरा क्रिकेट नहीं, हमारे खेल जो थे ना वो सेहत के लिए पहलवानी, क्या करी कभी, मेरे पिताजी ने कराई है कोई, क्योंकि मेरे पिताजी पंजाब के टॉप नंबर वन रेसलर थे अपने टाइम के, क्योंकि फादर जज थे पूरे पंजाब के मालिक थे वो, कसम से बंदूका घुड़सवारी क्या तैराकी, ये शास्त्र बताए गए किसके लिए, कबड्डी उनके पैसे निकाल के अपने पास ले आ रहे, ये बेवकूफ देख है जी, चेस भी आनंदता के लिए था, ये सिर्फ राजा के लिए था, किसके लिए राजा मुझे था, आम जनता के लिए, क्योंकि वो चेस भी खेलता था, घुड़सवारी भी करता था, पहलवानी भी करता था, वो सारे का चेस वाला मतलब चेस ही खेलता रहता हमारे यहाँ, नहीं पुरुष के लिए आउटडोर गेम्स थे,
माता के लिए वो चक्की चलाना, क्या आजकल बटन दबाए माता भोग बनाए, राधा रानी का किचन, किसका किचन, डायरेक्ट एंट्री माता को, सीधा राधा रानी के किचन में हम लोग एंट्री करना मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे हर शिष्य को कुकिंग आनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर शिष्य, क्योंकि फंस गए कहीं, प्याज है लहसुन है, मुझे बोलते रहते लोग, मैं 2 रोटी अपने आप बना और खा ले, तो गुरु जी नक्शे बनेंगे, मैंने नक्शे खा लिए। अब अगर होगी तो रोटी, चिंता क्यों कर रहा है, दाल में छौंक डालना सीख ले, आलू की सब्जी बनाना तो सीख ले, इतना तो सीख ले, है प्रभु जी, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, भगवान को भोग सीख, भगवान भूखे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम सीखते हैं। माता अब उसमें माता कम नहीं हो जाती, माता सोचती अरे नहीं, अरे भगवान के लिए भोग बनाया कितनी श्रेष्ठ काम है, मैं बोलता हूँ जो हमारे आश्रम बना रहे हैं उनको कहता हूँ अरे तुम लोग तो डायरेक्ट हो, क्योंकि रसोई के ऊपर कमांड किसका है, राधा रानी का, कौन है इंचार्ज, ये पुरुष लोग बोलते हैं ये राधे राधे मैं रोटी बनानी आती है तो नहीं बगीचा तो घुसने नहीं देगी राधा रानी है, बताओ सही बात है, राधे राधे कर रहे हैं, राधे रानी किसकी इंचार्ज है, रसोई की, तो ये रसोई बनानी आती है नहीं, मेरे पे चुप, ये राधे राधे बोलने वाली बात नहीं। जब कृष्ण सेवा करे कोई सेवा कम नहीं है प्रभु जी, कोई सेवा कम नहीं, कोई सेवा, हर सेवा श्रेष्ठ, ये लेके चलना कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि सारी सेवाओं का मतलब नहीं है जब तक भाव नहीं है, और झाड़ू मारते भी भाव हो सकता है, सही बात है, गलत बात है बताइए आप मुझे, हो सकता नहीं, हो सकता झाड़ू मारते भी भाव भी, जरूरी नहीं है जो किचन में बना रहा है वो भाव से बना रहा है, सोच रहा हूँ बढ़िया बनाऊंगा, भगवान बोल रहा है खुद खाऊंगा मजा आएगा, और एक झाड़ू दे रहा है कि भगवान के भक्त आएंगे यहाँ बैठेंगे साफ होना चाहिए, भगवान की सत्संग चलेगा, बताओ कौन श्रेष्ठ हुआ, पुजारी श्रेष्ठ हुआ जो कर रहा है ऐसे चिंगी, या वो झाड़ू मारने वाला श्रेष्ठ, इसलिए भाव सारा खेल किसका करूँगा, वैसे कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं है, कोई सेवा बड़ी छोटी है, ध्यान रखना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ, हाँ जी बोलिए भाई, भाई किस कारण से होता बताओ, अज्ञानता के कारण से, हाँ डर अज्ञानता के कारण है, क्या डरते हैं बता, चल वो तो छूटना ही है, और जो चीज छूटनी है अब तो अज्ञानता नहीं है, जो चीज छूटनी है, अरे भाई ट्रेन का टाइम 7:30 बजे है तो 7:45 बजे पहुंचेगा तो छूटेगी, फिर तू जाते हुए अरे भाई छूट ना जाए, अरे 7:35 बज गए हैं ट्रेन तो गई, फिर क्यों डर रहा है, हर चीज छूटेगी, अगर है भी ट्रेन में भी नहीं रह सकता तू, ट्रेन भी छोड़नी पड़ेगी, अगर बैठ भी गया तो यार्ड में चली जाएगी, भगा देगा, अज्ञानता के कारण समस्त प्रॉब्लम जो भौतिक जगत की है वो हमारे शास्त्र साहब कहते हैं मूल कारण क्या है, अज्ञानता, और सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि मैं भोगता हूं, वो सबसे बड़ी अज्ञानता है, भोगने वाले कौन है, सिर्फ एक भोगता है भगवान श्री कृष्ण, भोगता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं ही सिर्फ एक भोगता हूं, प्रॉब्लम हमारी यही, ये सब ये अज्ञानता का मूल है, क्या है प्रभु जी, ये अज्ञानता का शास्त्र साहब कहते हैं, भक्ति साहब सिंधु के ऊपर चर्चा करते हुए बताया गया है कि सारा मूल कारण हर उस जगह अविद्या है, क्या है, अज्ञानता, आपको भी आ रहा है कि नहीं, नहीं डर इसके कारण भी हो सकता है, बताओ सिर्फ अज्ञानता के कारण भय आता है, और यही भय आगे चल के टेंशन बनता है, क्या बनता है, मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था मुझे आज से
20-25 साल पहले. मतलब व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. तीन लाइन में जवाब दिया था. फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञात चीज के बारे में डर लगना, वो टेंशन हुआ ही नहीं अभी. टेंशन कभी नहीं होता, हुई चीज को दुख कहते हैं. टेंशन का मतलब दुख नहीं, मैं दुखी नहीं हूं. यार मैं दुखी क्यों नहीं हूं? आगे गड़बड़ हो गई पता है ना जी, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस ही नहीं है सुखी सुखी रहने की. नहीं होता प्रभु जी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, नहीं करते कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा. पॉजिटिवली सोचते लोग ज्यादातर, 99.9% क्या लोग सोचते हैं नेगेटिव. ऐसे पति लेट आ रहा है और ये कोई एक्सीडेंट ना हो गया, बच्चा लेट आ रहा. मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक्सीडेंट भी हो गया, होने वाला है 2 घंटे बाद, पर तो 2 घंटे पहले वो 2 घंटे आप दुखी ज्यादा रहेंगे. ये तो एक्सीडेंट के बाद पे दुखी होते तो 2 घंटे का दुख तो कम हो जाता. सही बात है, गलत बात है? आपने अपने दुख को बढ़ा लिया और क्या पता हुआ ही नहीं तो 3 घंटे के बाद यार मैं 3 घंटे दुख में गुजार दिए, टेंशन में गुजार दिए, जो कि हुआ ही नहीं. बताइए क्या अज्ञान आप ही इन्वाइट करते हो अपने जीवन में. आप बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, अगर दुखी नहीं हो तो दुख को क्रिएट करते हो. कैसे दुखी हो जाओ? पुरानी कहावत है ना, नाई के पास जाके बोल रहे हो कितने बाल हैं, क्या कहते जवाब देता है, अब काट रहा हूं सामने आ जाएंगे, गिन लियो. यही भगवान कहते हैं. क्या कहते हैं बताए आपको? गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, स्वल्पी अस्य धर्मस्य त्रायतो तो महतो भयात. बड़ी सरल शब्द है स्वल्प. अल्प का मतलब स्व का मतलब बहुत ही कम. स्वल्प अस्य धर्मस्य, जो धर्म के रास्ते पे चलता है. स्वल्प अस्य धर्मस्य त्रायतो, त्रायतो मतलब तार देता है. महत, महत का मतलब बड़ा, बड़े से बड़ा. भयात, भय से. और धर्म शुरू कैसे होता है? ये तुम शरीर नहीं आत्मा हो. क्या शुरू होता है रोगी? ये धर्म मंदिर जाने से नहीं शुरू होता, उनकी सुनने से. यही मैं अभी चर्चा कर रहा था किसी से. मैंने कहा वो राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, राम मंदिर बनाए, हम राम राज्य बनाएंगे. आप राम मंदिर बनाओ बनाओ, परंतु राम राज्य तो हम ही बनाएंगे. क्योंकि राम राज्य का मतलब है जहां राम की चलती है. मंदिर में जरूरी नहीं है मंदिर से चले, परंतु मंदिर पे राम होना है जरूरी, परंतु राम राज्य का कौन ध्यान रख रहा है? राम मंदिर इंपॉर्टेंट है कि राम राज्य इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, परंतु राम राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी. पिता इंपॉर्टेंट है, परंतु जिस घर में पिता की चलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी. तो आप राम मंदिर बनाओ, मना नहीं कर रहे, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, परंतु हम राम राज्य बनाएंगे जहाँ राम जी को स्थापित करेंगे, जहाँ राम जी की बात क्या है वो बताएंगे जन जन तक, जो भगवद गीता के अंदर राम जी ने बोली है. बोले वो तो कृष्ण भगवान ने बोली, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई लीला भेद है सिर्फ, तत्व तो एक है, लीला भेद है सिर्फ. क्योंकि राम जी ने कुछ बोला ही नहीं. राम जी ने कहा लेक्चर दिए बताओ? उन्होंने तो परंतु कृष्ण रूप में आए और भगवत गीता देखे गए. किस देखे गए? तो इसी से तो रामराज्य आएगा. सही बात है, गलत बातें बताइए आप लोग? तो राम राज्य के लिए कोई हेल्प भी नहीं करना. नहीं नहीं देखो जी, राम राज्य नहीं होना चाहिए तो भाई फल तो हम रावण मारे जाएंगे. अगर राम राज्य आ गया तो कौन मारे जाएंगे? रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत सब मारे जाएंगे. इसका मतलब क्या मतलब है कि बाप भी गया, चाचा ताऊ भी गया, बेटा भी गया, इसलिए राम राज्य नहीं चाहते. मैं कहता हूं मुझे एक भाई सुरेश जी एम के भाई है ना राजन, उन्होंने मुझे कहा था आज से 12 साल तक. मैंने कहा था मैंने तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सिर्फ भगवद गीता जन जन तक पहुंचाने के लिए. बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं चाहता भगवद गीता अपने जीवन में. इसका मतलब कोई नहीं चाहता राम राज्य अपने जीवन में. राम जी तो मंदिर तक रहो यार,
तो कहां तक रहो? मंदिर तक रहो, हमारे जीवन में मत आओ, है जी? नहीं कहते मंदिर तक रही, घर में भी एक तेरे को एक कोने बिठा रखा है, वो बैठा रहता है ना, ये चूर तंग करता है, कोने में रहे, जब तुझे बुलाएंगे काम करने के लिए कि मेरे ये कर दे ये कर दे, हम तेरी सेवा थोड़ी कर रहे हैं, हम तेरी आज्ञा थोड़ी पालन करेंगे, हम अपने घर के अंदर राम राज्य थोड़ी चाहते हैं, हमसे संधि कर ले, सीता हमें दे दे, तू बैठा रहे, मतलब लक्ष्मी जी को मुझे दे दे, रावण ने भी क्या कहा था, देखा था, तो फिर हमारे जैसे हनुमान आ ही जाते हैं, तब करने क्या करने, तो जुड़िए राम राज्य स्थापित करने के लिए, वहां राम मंदिर बना रहे हम, कुरुक्षेत्र के अंदर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर हम जो बना रहा हूं मैं तो क्या बना रहा हूँ, भगवान जी उससे बनवा रहे हैं, पता होगा कुरुक्षेत्र के अंदर हम लोग ऐसे गीतालय का निर्माण कर रहे हैं, गीता का घर, पावर हाउस बनाना चाहता हूँ जिससे कि सात चारों तरफ उसको फैला सके, लोग आए सीखे जाए, घर घर राम राज्य हो जाए, राम जी का राज्य चले, है ना, नारियल लगाते राम राज्य लाए, दो तीन दिन पहले आए थे सब, परंतु राम राज्य सबके मिलके बनने से बने, राम राज्य तो है, राम जी तो राजा थे हैं और रहेंगे, हमें प्रजा बनना है, हमें क्या बनना है, प्रजा हमने बननी है तभी तो हमारी रक्षा कर सकेंगे, जो राम राज्य में होगा उसकी रक्षा होगी, जो रंगा राज्य में होगा उसकी रक्षा कहां से होगी, वो तो मारा जाएगा, तो भक्तों से राम राज्य बनेगा, किससे बनेगा, भक्तों से राम राज्य बनेगा, भक्तों के द्वारा ही राम राज्य बनेगा, और कलयुग के अंदर अकेला जना भार नहीं बोल सकता, ये बोलते हैं ना क्या होता है, ऐसे होता है, ये विचार से, और प्रश्न किसी का, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ जी गुरु जी, जैसे भगवान को प्रसाद ऑफर करते हैं, प्रसाद नहीं ऑफर करते, भोग करते, भोग ऑफर करते हैं, हाँ, उसमें जैसे बाहर की कोई चीज मिलावट है या फिर दूध में कोई शुद्धि नहीं आ रही है, हाइब्रिड है, तो उसका पाप होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान पी लेंगे दे लेंगे, आप चिंता मत करो, हाइब्रिड वाले को हटा देंगे, शुद्ध पी के आप बोले क्या करें, कलयुग है, क्या है, कलयुग है, इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे तो भक्ति क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आज हर चीज ही अशुद्ध है, क्या है, हवा है, भगवान क्या सांस ले रहे हैं, परंतु उनका स्पेशल फिल्टर लगा हुआ है, बिगाड़ा तो हमने, तो इसमें ये नहीं कि इस चक्कर में नॉनवेज छोड़ दिया भगवान, ये जी मैंने मुर्गा लगाया बिगड़ तरह से, ये चलेगा, हाँ जितना शुद्ध हो सके उतना करो कोशिश, जितना शुद्ध हो सके उतना कोशिश करो, हाँ जी भगवान के आनंद के लिए, अरे आप जब कोई लीडर आता है तो क्या करते हो, उसका नाम लेते हो, नहीं सब वही नाम ले रहे होते, सब मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, बेवजह जवान गलती हो गई, नहीं लेते, तो इसी तरीके से नाम ये क्या है, कीर्तन, कीर्ति का बखान, और उसे मानते हैं हम, हम जब नाम ले रहे हैं, उस जो वो नाम ले रहे हैं उसको हमारे पीछे कारण है, मैं बता चुका हूँ कई बार, जब आप किसी का नाम लें, आपका शुभ नाम क्या है, कौशल, मैंने कहा कौशल कौशल कौशल, हाँ जी बोलिए कौशल कौशल कौशल, हाँ जी बोलिए, मैं कौशल, इसलिए बोला था, इसी तरह जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
भाव क्या है, हे भगवान मुझे अपनी सेवा दे दे। हर व्यक्ति सेवा ही मांग रहा है, बिजनेसमैन कस्टमरों से मांग रहा है सेवा दे दे, सर्विसमैन कहता है बड़े आदमी यार कुछ अच्छी कंपनी में अच्छी सेवा दे पा। हर व्यक्ति क्या मांग रहा है, सेवा। और टॉप से मांग रहे हम, उस टॉप से मांग रहे सेवा दे दे, शुद्धि होती है उससे। क्या होती है? शुद्धि होती है। अरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदर तो आना पड़ता है, सेवा इसके मामले में ना वो अभी है अपने नए नए हो इसलिए। हाँ आगे बढ़ जाते हैं, हम तो नहीं मानते इसमें, हमें आनंद आना चाहिए, हमें तो भगवान की प्रसन्नता चाहिए। हाँ कभी हनुमान जी ने प्रहलाद महाराज ने किसी ने ध्रुव महाराज ने किसी भी अपने आनंद के लिए नहीं किया, शुरू में किया है। ध्रुव महाराज ने किससे शुरू किया था? अपने आनंद के लिए। मतलब जब शुद्ध हो गए तो क्या बोला, मैं क्या ढूंढ रहा था, कांच का टुकड़ा। क्या कहा? अपने आनंद को, साम्राज्य से क्या मिलने वाला था उनको, अपना सुख मिलने वाला था। तो कई बार लोग कहते हैं साम्राज्य को समझते थे क्या, कांच का टुकड़ा में नहीं, जो साम्राज्य से मिलने वाला आनंद था उसको कांच का टुकड़ा समझा उन्होंने, ध्रुव महाराज उसको कांच का टुकड़ा समझा। ग्राइंड रिजल्ट को समझते हैं ना, उन्होंने उसको कांच का टुकड़ा समझा कि आपको मैं तो गलती कर रहा था। हम भक्त का भी यही मूड है, अभी आपका मूड होगा आनंद का, ठीक है, नो रॉन्ग। ध्रुव महाराज भी शुरू में ये कर रहे थे, तो जैसे ही उस अवस्था में आ जाओगे जो ध्रुव महाराज की अवस्था हो गई, बाद में फिर कहोगे मैं क्या मांग रहा था, बेवकूफ कहीं मैं क्या मांग रहा था। भैया ये भाव आया। हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे। बच्चों को भक्ति में कैसे लगाएं, वो पहले जप करते थे एक ये घर का मालिक मैं हूँ, मेरी चलेगी, अगर अपनी करना चाहता है दो मिनट में सुधर जाएंगे। प्रभु जी हिंदुस्तान में बच्चों को सुधारना दो मिनट काम है, तो आप कर नहीं सकते, आपको आ सकती इतनी एक मिनट के अंदर ले लो सब वापस, यहाँ कमा ही सकता हो, अमेरिका में तो कमा सकता है प्रभु जी, अमेरिका में तो 14 साल में बच्चा भी पेट्रोल पंप पे भर लेगा, कुछ पैसे कमा लेगा, अपना खाना चला लेगा। तो हिंदुस्तान में 30 साल तक पिताजी पर निर्भर है, शादी करके आते तो भी नहीं, बेस्ट तरीका क्या है डॉक्टर साहब, इसमें आंसर करो बताओ। नहीं नहीं अब इस स्थिति में क्या है, वो तो अब थोड़ी बहुत दोबारा पैदा करेंगे। बताओ क्या करें इस स्थिति में, बताओ। ये सर्जरी वाला आंसर है इसका, मेडिसिन का नहीं है, उनका नहीं है ये, आपको एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, डायरेक्ट सर्जरी है। क्या आप सोचो एनेस्थीसिया देके सर्जरी करवा, नहीं नहीं हो, एनेस्थीसिया का स्टेज क्रॉस कर दिया, इमीडिएटली सर्जरी है, बताओ क्या होगा, कौन उत्तर देगा इसका छोड़ के आश्रम में आ जाओ, क्योंकि वो बच्चा ही आपको डुबो ले जाएगा, नरक देखना पड़ेगा, और फिर उस बच्चे और आपका कोई संबंध नहीं होगा, किसी जन्म के अंदर भी नहीं होगा, इसमें ठोक खा के चला गया आपको, आप उसको पता लगा जन्म जन्मांतर पर सजा भुगत रहे। ये सर्जरी होगी, मैं सही बता रहा हूँ, मेडिसिन नहीं, एक गोली ले लो दो सर्जरी। मैं तो बच्चों को कहता हूं, मैं माता पिता को भी यही कहता हूं, कोई भी है भक्ति के लिए, मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं, मैं साफ कहता हूं सबको कि अगर तुम भी दूसरों को भक्ति में लाना चाहते हो ना, तो बस चल रही है, उस बस में हम कंडक्टर हैं, चिल्ला रहे हैं, जयपुर में रहते हो तो जयपुर वैकुंठ, जयपुर वैकुंठ, ठीक है ना,
आ गया हाथ दे यो उतर मत जाना कोई भी हो क्योंकि मरना सबको अकेले है अपने कर्म सबको खुद भुगतने हैं ना पत्नी साथ देगी ना पति ना बच्चे कोई साथ नहीं देगा आपने जो ये कर्मों का क्रेडिट कार्ड बनाया होगा ये एक्चुअली क्रेडिट कार्ड भी नहीं है डेबिट कार्ड है डायरेक्ट कितना बैलेंस है उसी से कटता है आप बोलो क्रेडिट कार्ड चला दूंगा अगले जन्म में भक्ति कर दूंगा भी छोड़ दे जब दूध मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है डेबिट कार्ड चलता है क्या चलता है जितना जमा किया है वो चेक करेंगे उसी हिसाब से देंगे बस मैं सीधी बात कर रहा हूँ जो शास्त्र भी कहते और कोई तरीका ही नहीं ये कट ऑफ कर दो आश्रम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वन प्रश्न चले जाओ अपना घर है बोले जा भाई तुझे जहाँ जाना है मैं तो अपना यही मैं माता पिता को मना करता हूँ लोन पे कभी लेकर बच्चों को मत पढ़ाना लात दे देंगे लात 99% लात ही खाए हैं बिकॉज ध्यान रखना एक चीज का ये बड़ा अजीब असूल है माता पिता जितने अपने बच्चों को प्रेम करते हैं बच्चे अपने माता पिता को उतना प्रेम कभी करते ही नहीं और ना कर सकते हैं आप भी अपने जीवन में देखना आप जितने अपने बच्चों को प्यार करते हैं अपने माता पिता को नहीं करते हकीकत है कि नहीं बताइए ये विधि का विधान है बड़ा स्पेशल ये माया का विधान है क्या है माया का विधान है जीवन में देख लो आप जितने अपने बच्चों से अटैच्ड हो उतने अपने माता पिता से नहीं अटैच थे और जैसी तरह से माता पिता जब आप बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो आपसे नहीं लेना देना उनका वैसे नहीं था बच्चों से लेना देना हो जाएगा सही बात है क्या बात है माया में आपने फंसना चाहते हो तो माया को भी तो अरेंजमेंट करने फंसाने के लिए भगवान ने कहा है जो तू करना चाहता है तेरे को हेल्प करूंगा मैं तू माया फंसना चाहता है माया फंसाऊंगा तू निकलना चाहता है निकलने के भी तरीके सिंपल है अभी जैसे हम CSR की बात कर रहे थे तो उसमें आया है ओपनिंग रूरल हॉस्पिटल मैंने वो तो मैं पहले खोल रहा हूँ रूरल डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स क्योंकि मुझे सोहेल जी कह रहे कि CSR में अगर हम आ जाए तो फिर तो पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर्जरी थी ना प्रभु जी क्या कर सर्जरी बच्चा छोटा होता तो मैं बोल सकता था कुछ और तो अब आपके हाथ से निकल चुके हैं क्या है जब वो कमाने लगता है फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते फिर वो मानेंगे नहीं उसमें आपने कहते ना बस को मिस कर दिया बस निकल गई जब वो चेंज हो सकते थे वो टाइम निकल चुका है उसे बहुत कम होंगे जो बच्चे सुन लेंगे माता पिता क्योंकि वो माता पिता को सब बच्चे बेवकूफी समझते हैं एसोसिएशन सन कोई दो दुनी पांच दो दुनी जब मैं बता रहा हूं आपको जब इंसान भी सुअर के साथ रहने लग जाएगा तो आप उसको पनीर दोगे ना कहेगा पान ले गया मन ले गया क्योंकि उन्होंने सुअर ने आदत डाल दी उसको मल खाने की और वो पनीर खाना भूल गया फिर जीवन में कभी ठोकर लगेगी जब जीवन में कभी ठोकर लगेगी तब लाइन पे आने के चांसेस हैं जरूरी नहीं आ जाए परंतु उस ठोकर के लिए इंतजार करना पड़ेगा कई बार ठोकर लगेगी भी नहीं जब ये कंटिन्यूशन है संग बड़ा जरूरी है प्रभु जी ये अगर आप झटकों में करोगे ना तो ये झटकों में आप पढ़ा दो बच्चे को एक दिन स्कूल जाए महीने भर घर रहे पास हो जाएगा कैसे पास हो जाएगा फिर उसे कहा तू यार तू फेल हो गया
बोले जी एक महीने एक एक दिन जाया करो ना, महीने में नहीं जाता। इसी तरीके से ये भी समय सही है प्रभु, और ये तो और डेंजरस है, क्योंकि उस एक महीने के अंदर बच्चा जो आ रहा है ना, उस एक महीने में आप उन लोगों के साथ वो संग कर रहा है जो कहते हैं पढ़ाई करना बेकार है। जैसे मैं था, मैं कहता था यार जितने भी सेठ रहीस थे हमारे टाइम के अंदर सबके सब अनपढ़ थे, मैं अनपढ़ रहूंगा कमाऊंगा क्यों, क्योंकि संग ऐसा था। कैसा संग था? ऐसी लोगों का संग था। तो इसी तरीके से उसको एक महीने के लिए, इसी तरीके से क्या होता है आपके भक्ति का संग तो एक घंटे का हुआ और 23 घंटे का संग हुआ, बताइए। तो इसलिए संग मत करो। आप लोग बोलोगे फिर मैं, हम तो मिलते हैं लोगों से, तो मिलो लोगों से, अपना काम मिलो, संग मत करना। संग का मतलब डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय देम, संग का मतलब है उसके द्वारा इम्प्रेस को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब इम्प्रेस का मतलब प्रभावित भी नहीं है प्रभु जी। इम्प्रेस का मतलब होता है कि उसको आप श्रेष्ठ मान लग जाओ, उस जैसा बनना चाहो, बस वही मैं डिवोटीज को कहता हूँ। तुम जाते हो कई बार लोगों से मिलने, तो बड़े 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 घरों में रहते हैं, ये कि तुमने तुम्हारे मन में कहीं एक बार भी आ गया ना, गया ऐसा घर अपना भी हो, मैंने गया तो इम्प्रेस हो गया, वो उस जैसा बनने की कोशिश करता है, ये संग होता है प्रभु जी। बुरा सन ऐसे होता है कि आप उस जैसा बनना चाहते हैं। यंगस्टर जब होते हैं तो सिगरेट क्यों पीते हैं, जब स्कूल कॉलेज में होते हैं सोचते हैं बड़ा हो जाऊंगा, सिगरेट पीने से बड़ा लगता है, फिर उसके साथ के सब पीते हैं। मुझे मैंने मैंने पीनी थी प्रभु शुरू के अंदर, वो तो होटल मैनेजर जब आया तो उसके कारण जाना पड़ा। तो पहले शुरू में मेरे दोस्तों कहते थे अरे क्या है कोई गलत चीज़ थोड़ी है, तो मैं क्या जवाब देता था बताएं, मैंने कहा तेरे बच्चा होगा तो उसको पुप्सी बोतल के अंदर ना दारू दे कर दिया देगा, मैं पकड़े क्या, मैंने अपनी माँ को पिलाएगा दारू, बोले तो दिमाग खराब है क्या, आज नहीं बोलेंगे ऐसे, बोले हाँ मैं तो पिलाता ही हूँ ऑलरेडी और मेरे से बड़ी बेवड़ी है। अरे मैंने देखा ऐसे लोग माँ माँ नहीं रही, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। शास्त्रों ने बताया गीता में कि स्त्री बिगड़ गई समाज का, स्त्री बिगड़ जाए नहीं बड़ा पुरुष बिगड़ने से समाज खत्म होता है, स्त्री के बिगड़ने से समाज खत्म, इतनी इंपॉर्टेंट वो है वो समाज के लिए। जब भी शास्त्र कहते हैं उनको बचा के रखो, क्या करो उनको प्रोटेक्शन दो, वो अगर बिगड़ गई तो खत्म हो गया। आज आपकी अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम मैं बोल चुका हूँ प्रभु जी, मैंने टीवी बोल रहा है मैंने इस बात को, आज तो नहीं कर सकते वो जो मैं जो बोला है वो आज के लिए बोला है। मैंने कहा शादी करने से पहले पति पत्नी को डिसाइड करना चाहिए कौन काम करेगा, एक जना काम करे, कितने लोग आपको अरे घर कैसे चलेगा कुछ नहीं, दो चार साल के अंदर पूरे इंडिया में करने लग जाएंगे प्रभु जी, जैसे ही पैसा कम होगा ना प्रभु जी रेट्स कम हो जाएंगे, मार्केट के अंदर रेट कम बढ़ते हैं प्रभु जी, जब पैसा बढ़ता है पीएफ बढ़ता है ये सब चीजें बढ़ती हैं तो मार्केट में रेट भी बढ़ते हैं जैसे आपका खर्चा। और दूसरा क्या है प्रभु जी उसमें क्या प्लस पॉइंट होगा कि उसके कारण मोस्टली प्रभु जी ये है, सारी घर नहीं ऐसे है पर तो मोस्टली घरों के अंदर जहां पत्नियां काम करती हैं प्रभु जी वहां सिर्फ वो एक्स्ट्रा मजा करने के लिए पैसा कमाते हैं, नहीं तो पति या पत्नी के कमाई से आराम से घर चल सकता है। दूसरा ऐड करेंगे जिससे कि हम और मजा कर सके जिंदगी के अंदर, परंतु उसके ऐड करने से एक परिवार का खाना बंद हो गया तो पाप लगेगा नहीं लगेगा। मैंने कहा तो मैं नहीं कह सकता कि माता ना काम करेंगे तो मेरे को मारने लग जाएंगे, जूते पड़ जाएंगे मुझे बाहर निकलते, परंतु एक चीज बताओ माता का काम तो जो भगवान ने निर्धारित किया वो तो अलग है आज के हिसाब से। जब भी बच्चों का सत्यानाश हो जाए बच्चों का, क्योंकि ना तो पिता ना माता को दोनों को देखने वाला कोई नहीं है बच्चों का, क्योंकि आप ये सोचो कि बच्चों के लिए 3-4 साल की लीव ले लोगे, नहीं बच्चे की ग्रोथ जो है ग्रोथ से लेके कम से कम 18 साल तक उसको सही एसोसिएशन चाहिए, 18 साल काम मत करना उसके बाद करना। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि थर्ड क्लास बच्चे आ रहे हैं,
हमारे शास्त्र प्रैक्टिकल है प्रभु जी, इम्प्रैक्टिकल नहीं हमारे शास्त्र, प्रैक्टिकल है। नहीं होता प्रभु जी, 90% परिवार तो ऐसे हैं जहाँ दोनों काम कर रहे हैं, वहाँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं, और तो उसके चक्कर में एक जो परिवार पूरा, जिसको भी एक नौकरी चाहिए थी उस परिवार के अंदर परिवार चलेगा, उस बेचारे का परिवार चलेगा। कभी सोचा, कभी विचार किया? हम किसी का बुरा नहीं करते कर रहे हो क्या बुरा नहीं करते क्या बुरा नहीं कर रहे हो लेबर की ये हालत है कि जो कमाता है वो रात को पता लगा जाके दारू की दुकान पे अड्डो बैठे खर्च कर जाता है। तो शास्त्र के अनुसार चलने से बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं। हम तो अपना जीवन स्टार्ट करें, फिर दूसरों में जितना कर सके उतना करेंगे, कोशिश है ना होगी। हम तो यही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? अब डर गए कि गुरुजी तो सर्जरी कर देंगे, प्रश्न पूछे ही नहीं तो बेटा हम जैसे सही है ना, क्योंकि ये एमडी नहीं है तो एमएस है। बोलिए गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई अंबाला में फुल टाइम ब्रह्मचारी है और दूसरा कोई बाहर रह रहा है, लेकिन उसने अपना 100% गीता लेके बनवाने में दिया और 16 राउंड आजीवन करता है, तो उन दोनों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा? जिसने पूरा समय दिया भगवान की सेवा। देखिए, पहली चीज पूरा समय, दूसरा चीज समय से कुछ जो आपने कमाया या कुछ भी किया उसको देना, उसे के डॉक्टर को पूरा जीवन दिया। देखिए, आप देश के लिए लड़ने को तैयार हैं, सब कुछ है, आप करते हैं, मतलब जो प्रभु जी फौजी है जो सामने बैठ के लड़ रहा है वो तो श्रेष्ठ हुआ है। सेकंड लेवल ठीक है, जो सेकंड लेवल पे आ गया वो फर्स्ट लेवल पे तो वही है, क्योंकि वो 24 घंटे क्या कर रहा है। अभी आप गर्मियों की सेवा करोगे, उनसे पैसे लाओगे, फिर दोगे, मतलब गर्मियों की सेवा तो करोगे ना, वो गर्मियों की सेवा कर ही लेगा, चाहे वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है। क्यों गृहस्थ नहीं है वहां, ये ध्यान रखना, गृहस्थ कई ज्यादा सेवा कर रहे हैं ब्रह्मचारियों से। जैसे हमारे एक महाप्रभुदास जी हैं, आज वो 2 महीने से वहाँ पढ़ा है, उसकी बीवी यहाँ है आश्रम में सेवा कर रही है, वो कुरुक्षेत्र में लगा हुआ है सेवा में, सुबह से रात तक गृहस्थ है, पत्नी को मिला भी नहीं अभी तक 2 महीने के, और 32-33 साल का हुआ है महाप्रभु ऐसे ही। बच्चा लड़का है, बदमाश है, थोड़ा होते ही हैं, थोड़े बदमाश होने भी चाहिए, तो उसके साथ रहता है, पढ़ाता रहता है उसको, और वो भी अपना ईंटे उठा के देता रहता है फ्री टाइम के अंदर। उस बच्चे को पता ही नहीं है, पता है आपको, उसे उसे ना तो कोई गाना आता होगा भौतिक, उसे भौतिक पता ही नहीं है क्या है क्या, क्योंकि बचपन से वो यही है, पैदा होने के बाद उसको पता ही नहीं है कुछ भी, वो अपने मस्त रहता है कृष्ण में और भगवान में। हाँ, कीर्तन बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी आवाज है उसकी। हाँ बेटा, मैं अनलकी हूँ, क्या हूँ अनलकी का मतलब समझे, भाग्यशाली नहीं हूँ मैं, बचपन से नहीं कर पाया, जवानी से करी हूँ। तो कई लोग हैं जो बहुत लकी हैं, जैसे आप भी लकी हो, मुझसे ज्यादा लकी हो आप, क्योंकि आपने अभी से शुरू कर लिया है ना, तो छोड़ना नहीं, शुरू कर दी तो आप लकी हो बताओ, है ना। तो जिसने बचपन से शुरू कर दी वो, मैं तो कहता हूँ हमें तो जलन होती है, वो हमारे धर्म पत्नी विष्णु की वो भी कहती है, तो बचपन से शुरू कर दी कितने लक्ष्मी है। परंतु लकी हो जाओगे जिंदगी में, परंतु देर आए दुरुस्त आए, ये नहीं कह रहे अब तो देर हो गई, कमाने का मौका मरने से 4 दिन पहले भी मिले व्यक्ति को छोड़ देगा। इसी तरीके से जब पता लगा, जब जागे तब सवेरा,
जाग जाओ। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जीव जागो गौराचंद्र बोले। कब तक इस माया पिशाचनी, माया को क्या कहे, पिशाचनी, इस पिशाचनी की गोद में पड़े रहोगे। अब लोग कहते हैं भूत चढ़ गया, अब ऑलरेडी चढ़ा गया। माया को पिशाचनी का है, पिशाचनी, उसकी गोद में क्या कर रहे हो, उठो। जीव जागो, जीव जागो, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जीव जाग, हम कहीं में जगा हुआ हूं। अब सपने में है, जगह कहां है? इसलिए तो अपने घर में छोटा बच्चा है, बच्चे हैं, छोटे हैं चाहे कितने भी साल के हों, जिस आप अगर उनको भक्ति मिल जाए तो हुआ हुआ। अरे बाकी चीजें शादी काम ये वो उम्र का बढ़ना ये तो होगा ही, शादी जरूरी नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए प्रभु जी, उनसे पूछा गया, एक तो 66 साल का था, उससे पूछा, So sir, you did not get married. Oh my God, I forgot. मैं इतना अपने काम में बिजी हो गया कि मैं भूल गया कि शादी करनी है। तो मैं ब्रह्मचारियों को भी अपने कहता हूँ, मैंने कहा इतना सेवा में व्यस्त हो जाओ कि जब तुम्हें कोई 60 साल की उम्र पूछे कि शादी नहीं करी, ओरे यार वो गृहस्थ आश्रम भूल गया, वो ट्रेन मिस हो गई मेरी। कई बार होता है आप किसी से बातें करते रह जाओ ट्रेन में, स्टेशन निकल गया। तो बचने का एक ही तरीका है, भगवत चर्चा करते रहोगे तो टूर फटाफट मेन सेशन में पहुंच जाओगे। परंतु ग्रेस भी हो जाओ तो प्रॉब्लम थोड़ी। ये हाँ जी गोष्ठानंदी की प्रक्रिया क्या होती है, गोष्ठी करता है भजनानंदी की, भजनानंदी की प्रक्रिया हम कर नहीं सकते। गोष्ठानंदी की भजन की प्रक्रिया वही रहती है, दोनों की प्रक्रिया सेम है। दोनों की प्रक्रिया क्या है, हमारे सारा सिद्धांत किस पे है, आप लोगों ने सुना है मेरा जो वैष्णव उस पे था सदाचार पे, वैष्णव सदाचार पे जो लेक्चर है उसे मैं पता है बार बार कि हमारे एक ही सिद्धांत है, हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। तो ये तो दोनों के लिए सेम है, चाहे वो भजनानंदी हो चाहे वो गोष्ठानंदी हो। गोष्ठानंदी करता है क्या करता है कि वो इस चीज को सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा को सेवा में लगा देता है, उसको क्या कहेंगे मैनिफेस्ट के तरीके से, मतलब वो पूरी मतलब ग्रॉस को क्या कहते हैं स्थूल स्थूल रूप में लगाता है, और भजनानंदी जो है उसको सूक्ष्म रूप में लगाता है। वो भी मानसिक सेवा करता है, वो भी भगवान को अपनी भोग लगाएगा मानसिक रूप से, एक सब कर रहा है, सब सब चीजें चल रही हैं उसकी, परंतु मानसिक रूप से चल रही हैं उनकी। गोष्ठानंदी सारी इंद्रियों को इंक्लूडिंग माइंड मन को भी क्या कर रहा है, वो भगवान की सेवा में। ऋषि कीणा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, दोनों कर रहे हैं इंद्रियों सेवा, वो सूक्ष्म रूप में कर रहा है वो स्थूल रूप में कर रहा है, ये फर्क है। सब लोग सूक्ष्म रूप में नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो सब की सब इतनी दृढ़ है कि आंख देखना चाहेगी, जब आंख देखना चाहेगी तो फिर क्या करेगा वो, भजनानंदी अगर नहीं है गोष्ठानंदी तो क्या करेगा, भगवान दर्शन करेगा। भजनानंदी होने के लिए उसको इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि उसको मन के पटों के ऊपर एक सेकंड नहीं उसी क्षण वो भगवान के दर्शन कर सके। अब वो लेवल लाने के लिए वो सबके नहीं होते, परंतु इसका मतलब नहीं वो श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हर समय कृष्ण को याद रख रहे हैं, कृष्ण को भूलते नहीं है। परंतु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसमें कि जो कार है पूरी कार जो है वो एक्चुअली स्टार्ट किससे होती है, बैटरी से। अगर बैटरी नहीं हो जाती है पूरी गाड़ी चलते, जब डायनेमो में फेल हो जाता है बैटरी डूब जाती है, नहीं जाती है बैटरी रहती है, बैटरी कितनी जगह लेती है पूरी गाड़ी में, इंजन में जगह में इतनी जगह लेती है। अब बैटरी और इंजन ना हो क्या फायदा, और इंजन और बैटरी ना हो तो क्या प्रभुपाद महाराज ने बोला कि भजनानंदी जो है वो बैटरी है, भजनानंदी क्या है बैटरी है और हम लोग इंजन है, दोनों का तो वो भजन करते हैं जिससे कि हमें शक्ति मिलती है कि हम गोष्ठी कर सकें। ये भक्ति सास महाराज ने पढ़ा था, हमने
मैंने कहा वाह क्या बढ़िया उदाहरण दिया है ना, इतना जबरदस्त उदाहरण। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है भगवान की सेवा करने के। लगता है बैटरी का क्या लगता है आपको, ये तो कुछ भी नहीं करती, पड़ी है सिर्फ। नहीं नहीं बेटा, सारी करंट जो है किससे आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। और बैटरी सोचने लगे मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, बल्ले इंजन गायब। तो हम किसके फॉलोअर हैं, हम एक्चुअली फॉलोअर हैं हमारे गुरु को देखना, अपने प्रभुपाद जी को देखना। हम रूपानुगा हैं, हम प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज। हम देखा मोस्टली सारे के सारे गोष्ठानंदी थे, उनमें जैसे गौर किशोरदास महाराज जी महाराज भजनानंदी थे। क्या थे वो भजनानंदी? समझ आया आपके? ये आगे आगे बोलिए, थोड़ी बढ़ जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रश्न आया हुआ है, ये पूछते हैं मेरी पत्नी से छुपकर मैं माला करता हूँ, वो शेरनी है, मैं क्या करूँ? आपने सिद्ध कर दिया, तो आप बकरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, छुप के करने क्या जरूरत है, सबका अपना अस्तित्व है। हमने बड़े ऐसे देखे हम केस सॉल्व भी करे हैं, वैसे अकेले मिल जाना बता दो बताइए, ऊपर में नहीं बोल रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बता दूंगा आपको, एक पांच मिनट में सब सही हो जाएगा। यू सही करने देखा होगा मैंने, क्योंकि कईयों ने कराया ये और परफेक्ट बैठा 100% से। वो शेरनी रहेगी मैं तो आप शेर हो जाओगे। मैं उनको नहीं बना रहा गीदड़ फादर, बकरी नहीं बना रहा, मैं तो आप शेर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दूसरा प्रश्न है गोविंद का, ये कहते हैं चाय नहीं छूटती है, मेरे मरने के बाद यमदूत मेरा क्या करेंगे? चाय में डूबो मारेंगे। क्या बोलू, भूल जाओ कि चाय होती भी है, भूल जाओ चाय होती भी है। आ जाओ हमारे आश्रम में कुछ दिन रहो, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और क्या हो, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब मैं पूछ लूंगा दवाई है। तो जब भी आश्रम के लिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, कई लोगों की जो आदतें हैं ना प्रभु जी, जब छात्र 8-10 दिन ना मिलेगा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्योंकि जो मेरा आश्रम बन रहा है मैं तो आसपास चाय की दुकान भी नहीं है। बेस्ट तरीका यही होता है ना, ये क्वारंटाइन क्या है प्रभु जी, कि आपने उस वायरस से उसको कोने में रख के और दोबारा वायरस अटैक नहीं कर सकते, क्वारंटाइन डाल दिया उसको, तो वो हमारा क्वारंटाइन भी होगा। क्या होगा? टी क्वारंटाइन सेंटर। ज्यादातर प्रॉब्लम ही यही है, चाय कोई चिंता मत कर, सोचने का भी टाइम नहीं देंगे कि चाय भी, अरे मैं तो भूल ही गया चाय पीना था, मैं तो आज भूल ही गया कि चाय पीना, ये बेटर नहीं याद ही ना है। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो एक व्यक्ति का अपन खा लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति मान लो कोई लाख कमाता है, वो 10 लाख कमाता है, वो 50 लाख कमाता है, तो वो बहुत से जो जितना ज्यादा कमा रहा है उतना बाकी समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, कोई 50 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, तो जितना वो ज्यादा कमा रहा है वो उतना बड़ा पापी है क्या? हाँ जी, वो ज्यादा पापी है, बताओ क्यों? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति करेगा, ज्यादा ज्यादा पैसा कमा के करेगा क्या वो? मुझसे एक प्रश्न किया था डॉक्टर साहब ने, तो मैंने बताया था कि बेसिकली पहले लेवल पे जहां भोग आया वहां
पाप होना शुरू हो गया। अब आपके पास अगर पैसा इतना है जिससे कि आप अपना दो रोटी खाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, अपने पाते हो, परंतु आप वो पैसा रखोगे अगर, तो वो तो पैसा क्या ना उछलता है, ए खर्च कर, गांधी जी चुपचाप खड़े बैठ सकते वो निकल लेते डंडी मार्च पर, अरे कहां चिपका रखा हो। तो बेसिकली तो हम जब भी शास्त्र कहते हैं 50% दान कर दे, 25% बचा ले व्यस्त के लिए, 25% बचा ले, बुरा समय कभी भी आ सकता है, उस 25% बचा ले, 25% जी बिल्कुल सही बात है, तो उसको बेसिकली बढ़ाना चाहिए। इसका पूरा परसेंटेज का सिस्टम ये था कि बेसिकली तू अपने लिए जितना नेसेसिटी है उतना रख, बाकी तू अपने पास मत रख, क्योंकि गांधी जी रुकेंगे नहीं, वो तो आपकी स्ट्राइक कराई देंगे, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए उसको खर्च करना सीख, मैं समझेगा नहीं बोलता मैं, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने बताया कि माता पिता टीचर समाज हमें कमाना सिखाता है परंतु खर्च करना नहीं सिखाता, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमाना सिखाता है परंतु खर्च कैसे, पावर को भी कैसे लगाऊं, कैसे खर्च करूं नहीं सिखाता। आईएएस बन जा, बन गया फिर क्या कर, घूस खा, क्या कर, घूस खा। शुरुआत कैसे कर, पहले दहेज ले घूस की 5 करोड़ की, हाँ जी नहीं, तो घूस खाना सिखाते हैं। आपने पढ़ाया क्यों बच्चे को, इसलिए खेल पढ़ाया है कि किसी तरीके से वो इंद्र तक ज्यादा करे, और अलग मेरा दुश्मन है इसको अगले जन्म में नरक भेजूंगा ही भेजूंगा। सारे माता पिता हमारे दुश्मन है, सारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन है, कि देखता हूं कि तू कैसे बचेगा, तेरे को तो बेटा नरक में भेज के रहूंगा, तुझे कमाना सिखाऊंगा पर तो खर्च करना नहीं सिखाऊंगा, जिसके कारण तू बर्बाद हो जाएगा। कमाना तो आएगा ही अपने भाग्य से जितना आना है, पर तो खर्च करना आपके हाथ में, क्योंकि उस खर्च करने से आपका अगला जीवन बनेगा, और खर्च करना कोई सिखाता ही नहीं। आपको सिखाया प्रभु जी टीचर ने या माता पिता जी ने खर्च कैसे करना, कहां सिखाया, मेरे पिताजी ने भी सिखाया, वो तो मतलब वैसे बदमाश था, बोलते थे भाई खाना पीना कर ले अपना सिर। बताइए आप सही बात बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, आपके भी माता पिता क्या सिखाया आपको, सुनील बहुजा प्रभु क्या सिखाया, उनके पिताजी ने ये किया। आप कहते मेरे पिताजी तो बहुत श्रेष्ठ है, देखो जब मेरे पिताजी भी थे तेरे भी नहीं है ऐसे, मुझे आकर मत सिखा। हिरण्यकश्यप भी हमारे शास्त्रों में हुए हैं जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, परंतु उनको भी राक्षस कहा गया है, ये लेके मत चल, ये फालतू की बात मत कर, मेरे साथ भावुकता की बात मत कर, मेरे साथ असत्य की बात कर, हमें नहीं सिखाया गया। जब भी आज जो हम सोच रहे हैं, जिसमें टीचर्स का सोच रहा हूं, मैं टीचर्स पे ज्यादा जोर देने वाला हूं पूरे टीचर्स के लिए, मैं पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, पेरेंट्स के लिए भी करूंगा, परंतु बेटर क्या है पेरेंट्स में, जो गुड एक आया उसमें आया पेरेंट काउंसलिंग, तो मैं उसके तैयार कर रहा हूं, मेरे को कल तक तैयार करना है, वो आज मैंने पढ़ा। तो पेरेंट काउंसलिंग क्या होना चाहिए, दो स्टैंडर्ड लेवल पर होना चाहिए, एक गुड बी पेरेंट्स, एक पेरेंट्स, एक जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और एक जो पेरेंट है ना प्रभु जी, दोनों की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसी डी एडिक्शन सेंटर की बात आई, मैंने कहा नहीं मैं खोलूंगा क्या प्रभु जी, प्रिवेंटिव एडिक्शन सेंटर। उधर भी दो चीजें हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर। आप भी क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं चाहूंगा कि बच्चा एडिक्शन में जाए ही नहीं, तो उसको वो ज्ञान दिया जाए। आप कहते हो नहीं नहीं, जैसे मैं कोई मुझसे बात कर रहा था, बोला बिल गेट्स जो है एड्स के लिए, एड्स हो जाए आपको तो बहुत, मैंने उसको बोला पहले मैं एड्स करूं फिर मुझे मिलेगा काम, और मैंने कहा पागल कहेगा, मैंने उसको प्रिवेंट करना पहले, मैं बिजनेसमैन डॉक्टर थोड़ी बनूंगा कि बीमार पड़े भगवान बीमार करा कर, गोविंद देव जी जाके बीमार कर। डॉक्टर की दिल की इच्छा क्या होनी चाहिए कि मेरे पास कम से कम लोग आए, परंतु आज डॉक्टर बोल दो कि अरे ऐसी पूजा इस गुरु के पास नहीं जाना है यार, सदगुरु बेटर है, बताता है पेशेंट कैसे बनाओ, मैं क्या करूं, परंतु आपको तो वही अच्छे लगते हैं, सत्य सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए प्रभु जी आपसे निवेदन है कि सेव करने के लिए कहता है ग्रस्त को, शास्त्र ने कहा है, परंतु हमको लोन लेते हैं, बताइए सेव करने के लोन लेते हैं, बताइए आप
आपकी सेविंग ज्यादा है कि लोन ज्यादा है? मेरा घर है तो मैं पहले से पूछता हूँ लोन कितना है, फिर अपना कैसे कह रहा है? बैंक मैनेजर आया मेरे पास मिलने के लिए, सोच रहा हूँ क्या गलत देने चला गया, किसके पास चला गया? सरदार जी थे, बोले जी वो मैं सोच रहा था लोन लेके घर बनाऊ, बुला दो सरदार जी बर्बाद हो जाओगे। बोले पिताजी मेरे ये कहते हैं अगर नौकरी चली गई तो क्या करेगा फिर, EMI का क्या होगा? मैंने कहा सरदार जी किसी बेवकूफ घर बनाते हैं कल मतलब में रहते हैं, रह के तो ले लो, नहीं तो 25 साल तक लोन के उसमें फंसे रहोगे। अरे रेंट में रहने वाला कोई व्यक्ति भिखारी हो जाता है क्या? है ये कहावत है अंग्रेजी की, इन फूल्स मेक हाउसेस इंटेलिजेंट मेन स्टे इन देम। जब भी सांप को श्रेष्ठ क्यों बताया गया? चूहा बिल बनाता है, सांप जाके उसमें रहता है टॉम, और तू आएगा तो तुझे खा भी जाऊंगा। बनाओ घर अपने अपने पैसे से, लोन से। मुझे बैंक वाले कहते हैं फिर वो देख रहे हैं अभिषेक प्रभु मेरी धंधा को निकलाएंगे, मेरी नौकरी निकलाएंगे। सीनियर मैनेजर है BOB में, इनका तो बैंक ही चलता है लोन पे। हैं जी, आज वो हमारे भगवान है लोन देने वाले, और पहले उनको क्या बोलते थे? घूसखोर, मतलब क्या कहते थे? सूदखोर, इज्जत नहीं होती थी इस गांव के अंदर उनकी। अरे सूदखोर के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और ये पानी पिलाते बताइए है प्रभु जी? ओम प्रकाश जी सही बात है कि गलत बात है? तो इसीलिए शास्त्र हमें जो भी बोलते हैं प्रभु जी उस पर अगर आदमी चलेगा ना संतुष्ट। आज कई लोग फंसे हुए हैं जो आना चाहते हैं फुल टाइम, होते हैं यहाँ लोन, प्रभु जी गुरु जी लोन 21 साल का है, मैं कैसे फुल टाइम आ जाऊंगा 21 21? मैं तो बेहद हूँ बेहद, तेरे को उधारी ने मार दिया, तो ये मनुष्य शरीर जो मिला था इसने उधारी ने मारा, क्या फायदा? नहीं आज इतने सस्ते मिल रहा है कल ये हो जाएगा। मैंने कहा मुझे कल के बारे में बता भाई, आज मैं जी गए, आज तेरे पास पैसा है घर बना दे, नहीं है लोन मत ले, खुश रहेगा सुखी रहेगा। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? मैंने उस टाइम क्या वो लोग घर बनाना बंद कर देंगे, किराए में देना बंद कर देंगे क्या? है नहीं, वो ही देते देते इतना हो जाएगा बेटा, देते देते तू गंजा हो जाएगा, भक्ति के लिए नहीं लोन के लिए, भक्ति हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसलिए शास्त्र जो भी हमें कहते हैं सही कहते हैं। और किसी का तुम्हारा प्रश्न किसी का आया हुआ प्रश्न है? जोर से बोलिए। एक प्रश्न आया गुरु जी, इसमें ये कहते हैं गुरु जी गीतालय के डोनेशन के लिए और प्रचार के लिए आज दो फ्रेंड्स को घर पे बुलाया था, दोनों नॉन वेजिटेरियन हैं, मगर दोनों ने एक माला और एकादशी करने का और डोनेशन देने का प्रॉमिस किया है। मेरा प्रश्न ये है कि कई साल से ऐसे लोगों का संग नहीं किया, तो क्या आप घर बुलाकर ऐसी फ्रेंड को प्रचार कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं, उनको किसी तरह से तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ संग मत करो, इम्प्रेस मत हो उनसे, अब करना पड़ेगा हम भी करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं किसी तरीके से भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो, जिससे कि उसको इतने पॉइंट मिल जाएंगे जिसके कारण उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो सके, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त होगा तो हो सकता है कभी वो किसी के साथ सत्संग कर लेगा, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे लिए तो सबके सब भगवान कृष्ण के, भगवान ने जैसे कहा है अहम बीज प्रदापिता, हमारा परिवार एक ही है, अपने शरीर अलग पहन रखे हैं, ये तो वो है आपने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं प्रभु, आत्मा तो भगवान ने कहा है मेरे अंश हैं और सबका पिता हूँ, तो हम तो एक परिवार के वासुदेव कुटुंब का, ये तो मटीरियल माता पिता है, तो आप लोग गाते भी थे पहले तुम्हें वो माता च पिता तो भूल गए, उसको गायब कर दिया, मैं ही माता पिता,
मैं भगवान मैं सब कुछ नहीं, वही है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु च सखा तुम वही है जो छोड़ेंगे नहीं कभी, बाकी सब कुछ छोड़ना चाहेंगे नहीं छोड़ना तब भी छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माला कर रहे हैं और एकादशी करना है, नॉनवेज ही छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आगे एक प्रश्न है गुरु जी, ये कहते हैं कि मैं गीतालय के निर्माण के लिए स्वयं भी दान करूंगा परंतु लोगों से मांगने में मुझे शर्म आती है, मैं कैसे इस महान कार्य में सहयोग कर सकता हूँ? महान कार्य में ये सुनिए कि चलिए कि बेसिकली मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने लिए मांगने में हम बेशरम है, भगवान के लिए मांगने में शर्म कैसी, और उसका बेनिफिट कर रहे हो आप मांग नहीं रहे उसको सेवा में लगा रहे हो, ये एक तो धारणा हटा दो कि आप मांग रहे हो, हम मांग नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं सेवा में लगा रहे हैं उनको, ये भावना ला। जब भी आप अपने आप करना बहुत श्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठतम क्या है, श्रेष्ठतम है औरों को भी सेवा में लगाना। भगवान ने कहा ना जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, तो प्रचार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बोल रहा है, इस कार्य में भी जो हेल्प कर रहा है किसी चीज के तरीके से भी। आज हमारा हरिसूदन नहीं बन लेक्चर थोड़ी दे रहा है, वो लेक्चर देगा तो वैसे भाग जाओगे, परंतु आज उसने भगवान के भोग बनाया जो प्रसाद सबको मिलेगा, तो उसको वही बेनिफिट मिलेगा जो मुझे मिल रहा है हेल्प करना, तो इस तरह ये चीज समझिए। और इससे क्या होगा कि ये इससे आपको 10 लोगों को आपने लगाया तो 10 लोगों का बेनिफिट आपके पास आ गया, प्लस उनके पास भी रहा 100% आपको मिला उनका, अगर उधार दे रहा उसने 1000 रुपए दिए आपको 1000 रुपए का पूरा बेनिफिट मिला और उसको भी मिला, बताइए ऐसा कहीं हो सकता है कहीं, जिससे भक्ति में होता है, तो आपने तो 1000 दिए ही दिए, आपके 2000 हो गए उसके 1000 लगा दिए, क्योंकि आपने उसको भी सेवा में लगा दिया, क्योंकि आप बोलोगे पैसे से कैसे सेवा में लग गया, पैसे से नहीं लगा, उस समय जो पैसा कमाने के लिए जो समय है ना, भगवान पैसा नहीं देखते, भगवान समय देखते, उस फ्रूट को उस फल को जो कि पैसा है उसको कमाने के लिए उसने कुछ समय निकाला, 5 मिनट हो उसके लिए 1000 रुपए, चाहे 2 मिनट हो वो 2 मिनट काउंट हो जाते हैं, क्या होते हैं ये समझ के चलो। इसलिए ज्यादा ज्यादा लोगों को करोगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा भक्ति पॉइंट्स का, आपका आप खुद देखोगे आप भक्ति आपको स्वयं अनुभव हो सकता है, ये आपको खुद करना पड़ेगा तब आपको अनुभव होगा, मेरे को हो रहा है अनुभव, इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, शुरू में नहीं पता लगता था, तो जैसे करते गए तो देखा कि एक, एक, एक अलग फीलिंग है, एक भाव है जो भगवान के प्रति बढ़ता चला गया, परंतु ये अनुभव है ना रियलाइजेशन की बात है, तो खुद ही करके देखना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं 100 रुपए देता हूं, अब जैसे हम कल गए उसने डिस्काउंट दे दिया, उसका उसको लाभ मिल गया, उन्होंने मेरा पैर का जो थोड़ा सा ऑपरेशन करना था उन्होंने सर्जन ने कह दिया नहीं नहीं चाहिए, उसे पता नहीं है, उसने अज्ञात सुकृति कर दी, क्या कर दी अज्ञात सुकृति कर दी, सुकृति कर दी जो कि उसको पता नहीं है उसके बारे में, परंतु सुकृति कर दी नहीं 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 पैसा नहीं दूंगा मैं, तो बेसिक फैक्ट यह है, तो ये इस तरीके से आप इंगेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे लिए 100 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है उसको सेवा में लग गया, क्या लग गया, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपने हमें दिया है तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं, अब हरे कृष्णा की माला करो सब बहुत समृद्धि होगी, क्या होगी, अब आपने थोड़ी कहा है कि बहुत ही समृद्धि होगी, हमें समृद्धि करी सर, अगर हम कहते भी ना धन धान्य बढ़ेगा तो हमारी तो धन भक्ति धन है, हमारे धन कौन सा है भक्ति का, तो हमने मेरा धन धान्य खूब बढ़ेगा तेरा चिंता ही ना कर, उसमें तू भक्त बनेगा तेरा सब छूट जाएगा, अरे जब अमीर बनेगा तो गरीबी छूटेगी नहीं छूटेगी, ये मैं कहता हूँ लोगों से, वैसे भौतिक मत मांगने आया करो, मैं जाकर बोलता हूँ जहाँ तेरा सब लूट जाए, घबरा जाओगे आप लोग, पैसे भी नहीं आओ से निकल जाओगे, गुरु जी तो बड़ा गड़बड़ करते हैं, जहर कैसे रहने दूंगा मैं तो आपको ये दूंगा कि भक्ति मिले आपको, क्या मिले भक्ति मिले, तो जो चीज भी अवरोधक है आपकी भक्ति के अंदर वो खत्म हो जाए। जब भी हम कभी किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो ध्यान रखिएगा मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है, हार्ट स्पेशलिस्ट अगर आपसे पूछे आप कैसे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो थोड़ी पूछ रहा है कि आप कपड़े वपड़े सीखेंगे,
वो पूछ रहा है कि आपका सब हेल्थ वेल्थ ठीक है कि नहीं, है ना। इसी तरीके से जब हम पूछते हैं कि आप क्या जितो बिजनेस में मिलते हैं प्रभु, पूछते हैं और भी कैसा चल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे अच्छे कैसे चल रहे हैं, धंधा कैसा चल रहा है, सिंपल है। इसी तरीके से हम जब पूछते हैं कि आपका आप कैसे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि आपके आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है, आपकी भक्ति कैसे चल रही है। और ज्यादातर लोग बोलते हैं हाँ जी सब बिजनेस अच्छा चल रहा है, सर अभी मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं तेरे से पूछूंगा बिजनेस कैसे चल रहा है, मुझे थोड़ी को तेरे से, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपकी भक्ति कैसे, क्योंकि वो कोई पूछता ही नहीं, पूछता है कोई सुना आज तक, और आपकी भक्ति कैसे चल रही है। आपके पूछा किसी से बोले पागल हो गए, उसे पता नहीं कि भक्ति ही चीज है जो चलती है, बाकी तो रुक जाएंगी। हाँ जी, और जी आज के क्वेश्चन और किसी का प्रश्न है यहाँ? हाँ बोलिए। हम तो ये लेके चलते हैं कि बेसिकली मस्त रहो। वासुदेव कुटुंब, वासुदेव का मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली कृष्ण भगवान के पिता हुए, जब कृष्ण भगवान के पिता आएंगे तो वो हम भी आ गए। और वासुदेव का मतलब होता है जो वसुदेव का, वो कृष्ण भगवान, जहाँ वा लगे, जहाँ जैसे भगवत और भागवत, भगवत का मतलब भगवान और भा का मतलब भगवान का, तो वासुदेव का मतलब भगवान के। और किसी का कितने क्वेश्चन है? चार पांच क्वेश्चन है, चार पांच। हाँ ठीक है, पूछे। आकांक्षा महाजन माता जी इज आस्किंग फ्रॉम जयपुर, शी आस्किंग गुरुजी दंडवत प्रणाम, हाउ डू आई नो वेदर आई हैव स्टार्टेड ऑन द भक्ति पथ, कैसे मुझे पता लगे कि मैं भक्ति पथ पर शुरू हो गया? सिंपल, जब आपको महाराज अपने में अच्छा लगने लग जाए, आपको भगवान की सेवा करने में अच्छा लग जाए, तो समझ आपको वैष्णव की सेवा करने में अच्छा लग जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको भक्ति पथ पर चलना। गुरु साधु शास्त्र और आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगने लगे हैं भगवान के बारे में, तो मतलब भक्ति पथ में आपने आप कदम रख दिया। आगे चलिए। हरीश कुमार जयपुर से पूछते हैं, गुरु जी कृपा करके समझाइए कि बलराम जी कैसे श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। समझाइए, क्योंकि उनके विस्तार हैं, शास्त्र बताते हैं उनके विस्तार हैं। क्या है पहला विस्तार? कौन है? बलराम। ये लघु भागवतामृत में आया और शास्त्रों में आया। बलराम जी कृष्ण भगवान के पहले विस्तार हैं, उनके बाद बलराम जी से चार विस्तार होते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकर जी। फिर उनके विस्तार में आते हैं नारायण जी, फिर उससे फिर चतुर्भुज, ऐसे करके ही है, परंतु इनका कोई भेद नहीं है और है भी। तो ये थोड़ा साइंस थोड़ी सी वो है, बाद में समझ जाएंगे। मंथन वर्मा इज आस्किंग फ्रॉम दिल्ली, गुरुजी यू टोल्ड दैट नॉट टू टेक लोन्स, बट लेट्स से समवन टेक्स अ लोन एंड रिपेज इट, सो माय क्वेश्चन इज डज ऑल द सिंस एसोसिएटेड विद दैट लोन मनी कम्स विद द लोन? द लोन इज बैड बिकॉज़ द शास्त्र से सो, बिकॉज़ लोन इज समथिंग व्हिच इज व्हिच यू बेसिकली आर यूजिंग। हिंदी बताता हूँ, सबको समझ आया, ज्यादातर लोग कह देते हैं मुझे बहुत लोग, तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप जब उधारी लेते हो तो चुक जाए ये फ्यूचर के अंदर है, एक क्वेश्चन मार्क है, जब तक वो चुकती नहीं आप टेंशन में होते हो, और जब टेंशन में होते हो हम टेंशन को जीवन से दूर करना चाहते हैं कि भक्ति कर सकें। क्योंकि टेंशन किस तरह से बताया गया, जैसे कि आपको मैं 500 किलो का सर पे वेट दे दूँ और बोलूँ अब मुझे तू कथा सुनाओ, अरे तू कथा सुनाएगा तो 500 किलो को जा कर रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो लोन है ये ऐसी है, इस सर पे आपने भार डाल लिया और फिर आप सोचते चलूंगा, चलना ही मुश्किल हो जाएगा पहली बात तो दबाव। तो इसलिए शास्त्र ने बताया कि उधारी सही, और दूसरा ये उधारी जब आप लेते हो उसका मतलब ये है कि आप अपने लिमिटेशन से ज़्यादा जा रहे हो, तो इसलिए उधारी को मना किया। अपने को जितना अपने कर्मों के हिसाब से मिला है उतने में संतुष्ट होना सीखो, क्या करो सीखो। आगे चलिए। ये अभी से एक प्रश्न आया गुरु जी, नाम नहीं लिखा उन्होंने, ये पूछते हैं, मेरा ये प्रश्न है कि चंदन यात्रा में हम ठाकुर जी को नए नए रूप में सजाते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं?
मेरे पास मोबाइल पर मैसेज आया था कि भगवान को गुड्डे गुड़िया नहीं समझना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ देखो दोनों चीजें है ना, कि अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं तो चंदन यात्रा पे और सजाइए, चंदन यात्रा पे हम तो रोज ही भगवान को सजाते हैं, परंतु अगर गुड़िया को भी समझ रहे हैं कि मुझे खेल की चीज है, उसमें भगवान है ही नहीं, तो अपराध है। तो इसीलिए जब आप, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि पहले आप भगवान जो कहते हैं वो करिए, फिर उनको सजाइए, नहीं तो आप चमचे कहलाएंगे। भगवत 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए, भगवत गीता जानने की कोशिश करिए। भगवान भगवत गीता जानने की कोशिश क्यों करिए, भागवतम को सुनिए, क्यों सुनिए, क्यों जानिए, क्योंकि वो भगवान के वचन है, भगवान के वचन है, उनको जानिए। कितने खुश होंगे अगर आप वचन को फॉलो करोगे, और फिर आप ये कर रहे हैं, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ कहता रहे, कहने दो, कहने वाले दो, कहते ही आगे चलते। एक प्रश्न है गुड़गांव से, ओजस अच्युत गुप्ता जी पूछते हैं, इंग्लिश में प्रश्न है, मैं अनुवाद करके बता रहा हूँ। इंग्लिश में इज आस्किंग, शुड पीपल प्रैक्टिसिंग कृष्णा भक्ति फॉलोइंग प्रभुपाद बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड फॉलो इट, कैन इट, कैन दीज थिंग्स गो टुगेदर। इनका प्रश्न है कि क्या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो, भक्ति करता हो कृष्ण भगवान की, क्या वो ज्योतिष की सलाह या ज्योतिष के अनुसार ये क्या करे, तो इन दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा ज्योतिष एक विज्ञान है, शास्त्र अनुसार 6 अंग हैं, वेदों के वेदांत कहते हैं, उनमें ज्योतिष भी एक है। तो प्रभुपाद जी कहते थे तो प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, क्या नहीं है, इसके नॉलेज के, इसके इसका नॉलेज नहीं रखता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं करता, तो इसलिए फायदा नहीं है। और वो रहे नहीं, जब साइंस ही नहीं जानते तो गलत इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा। और 99.9% लोग इसको धंधा बनाए हुए, जबकि ब्राह्मण का कार्य कोई भी धंधा नहीं होता, ब्राह्मण का कार्य कोई भी धंधा नहीं होता। तो इसीलिए, और दूसरी चीज क्या है, इसको करने से क्या होगा, आपकी भगवान कृष्ण के प्रति जो आस्था है वो शरणागत है वो भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इसको करने से कोई भक्ति तो बढ़ने वाली नहीं, पत्थर पड़ने से कहीं, शास्त्रों ने बताया कि पत्थर बैठो ये करो तो उसे भक्ति हो जाएगी। कलयुग का तरीका बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिमांशु यादव किशोरीखेड़ा से पूछते हैं, गुरु जी कुछ दिन पहले मेरी जी का निधन हो गया, तो 13वीं तक मैं भगवान को भोग नहीं लगा सकता, मैं 16 माला करता हूँ, मगर इस अवस्था में क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं लगा सकते, परंतु आज की तारीख में, पहले तो ये होता था जॉइंट फैमिली होती थी, साथ में गांव होता था, तो साथ में लोग होते थे जो आपको क्या करते थे, दूसरे परिवार बना के ला देते थे भोग लगा के। अब तो आपकी क्या परिस्थिति है मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं आपको इसको उत्तर देने, मुझे अगर आपकी कोई भोग कोई